स्पिरिट स्पीकर में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज 8 मार्च है ख्वातीन का आलमी दिन। ये दिन आलमी सतह के ऊपर ख्वातीन की जो सियासी मैदान में अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो सकाफती मैदान में कामयाबियां हैं, उनकी जो मौशी मैदान में कामयाबियां हैं आलमी सतह के ऊपर, उस याद में मनाया जाता है। और तारीखी एतबार से अगर हम देखें तो इसका आगाज अगरचे 2017 में हुआ उस मूवमेंट से, जो ख्वातीन की जो मूवमेंट थी, जो 8 मार्च 2017 को जिसका आगाज हुआ, जो ब्रेड एंड पीस की मूवमेंट थी। अगरचे इससे पहले भी हमें ख्वातीन का एहतजाज मिलता है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका का जो शहर है उस की फैक्ट्री में जो ख्वातीन वर्कर्स थी, गारमेंट फैक्ट्री की ख्वातीन, उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया। लेकिन 1917 के एहतजाज के बाद जो है वो बाकायदा इसका आगाज़ होता है, और फिर हम देखते हैं कि एक मूवमेंट की शक्ल बनती है ख्वातीन राइट्स की, जिसने फिर आगे जाकर 1920 में जो है वो ख्वातीन को वोट का हक दिया। और पूरे यूरोप के अंदर जो हमें वोट का हक मिलता है, ये 1920 के बाद मिलता है उस मूवमेंट के नतीजे में। आज 2022 है, और आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें ख्वातीन के, तो उनके उनके मूवमेंट के, उनके जो स्लोगन हैं, वो बुनियादी तौर पर 4 मुतालबात हैं जो कि फंडामेंटल हैं। उनमें से एक मुतालबा ये है कि वो जेंडर इक्वालिटी का मुतालबा है, कि सिर्फ एक खातून को सिर्फ खातून होने की बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और उसका भी उतना ही हक है जितना एक मर्द का हक है, और वो बराबर की हकदार है हर उस चीज़ की जिसका मर्द हकदार है। जो दूसरा बड़ा स्लोगन है, या दूसरा बड़ा जो मुतालबा है ख्वातीन का इस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि उनका रिप्रोडक्टिव राइट, उसका राइट है, उस पर मर्जी थोपी नहीं जा सकती। कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने, बच्चों की जो तादाद है उसका तयन करना भी उसका राइट है। ये नहीं है कि वो आप उसका ये राइट उससे छीन लें। ये दूसरा बड़ा मुतालबा है। जो तीसरा बड़ा मुतालबा है वो ये वायलेंस है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, के उसके ऊपर तशद्दद नहीं किया जा सकता, ख्वा जिस्मानी तशद्दद हो, ख्वा मेंटल टॉर्चर हो, किसी भी किस्म का जो तशद्दद है वो काबिले कबूल नहीं है। और जो चौथा मुतालबा है वो अब्यूज़ ऑफ वेमेन है, जो हमारे यहाँ अब्यूज़ होती है ख़ातून, जब हम देखते हैं कि उसको कभी कारोकारी के नाम के ऊपर, मुख्तलिफ जो कभी रस्में हैं उसके नाम के ऊपर उसको अब्यूज़ किया जाता है, उसको ऑनर किलिंग उसकी की जाती है, तो ये अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये 4 मुतालबात हैं बेसिकली जो वेमेन राइट्स के हवाले से हम देखें। इसी दिन की मुनासबत से हमने मुख्तलिफ ख्वातीन से, जो लीडिंग ख्वातीन है हमारे समाज की और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी, हमने रابطہ किया। और आइए हम आपको आज के दिन के हवाले से उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। ख्वातीन का आलमी दिन जो है उसकी तरफ थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये वो दिन है जिस पर खातून के तरफ खास तवज्जो होती है। लेकिन आप यकीन जानें, हर दिन जो है वो खातून का दिन है। माशरे में जब तक खातून अपना फाल काम या किरदार ना पूरा करे तो माशरा चल ही नहीं सकता। और आपको पता है कि हमारी सबसे पहली जिसने इस्लाम कबूल किया था वो खदीजतुल कुबरा थी, और उन्होंने जितना साथ दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कारोबार करती थी, उनको सपोर्ट करती थी हर मामले में, उनको दिलासा देती थी अगर उनको मसला कोई बनता था शुरू में, जब वही नाजिम होना शुरू हुई तो आप देखिए कितनी अहमियत थी। उसके अलावा आप सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा का देखें, उन्होंने कैसे अपने खामत की इतनी खिदमत की और बच्चों को वो परवरिश दी
कि उन्होंने अपने माशरे के लिए और इस्लाम को कायम रखने के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी नहीं घबराए। तो ये माएँ ही होती हैं और बेटियाँ ही होती हैं जो माशरे में इस तरह के इकदाम करती हैं तो माशरा आगे चलता है। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानी खवातीन भी जिन्होंने हिस्सा लिया है खास तौर पर तहरीक पाकिस्तान में और उसके बाद 75 साल पाकिस्तान के ताबीर में, वो ये करती रहेगी। और जैसे हमने किरदार अब किया हुआ है कि पढ़ती भी ज़्यादा हैं, माशरे में हिस्सा भी लेती हैं बतौर काम और होनहार खातिन के, हमारा माशरा और हमारी कौम इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अस्मा अब्बास है और मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं फ़लसफ़ा सियासत और जमालियात की प्रोफेसर हूँ बार्ट कॉलेज एट साइमंड रॉक में। औरतों के आलमी दिन के मौके पर मेरी मुबारकबाद। इस मौके पर मैं 2-3 याद दहानियाँ कराना चाहूँगी, दोस्ताना याद दहानियाँ। पहली बात तो ये कि इस दिन के मौके पर जब हम औरतों के हकूक़ की बात करें तो हम ये याद रखें कि औरतों की तारीख की जद्दोजहद की तारीख औरतों के हकूक की जद्दोजहद की तारीख से कहीं कहीं बढ़ के है। और ये कि इस तारीख का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें इस वक्त की जो जो भी ज़रूरियात हैं, इस वक्त की जो भी स्ट्रगल्स हैं, उनमें हम अपने आप को अकेला ना समझें और ना हम ये समझें कि हम किसी और की लिखी हुई कहानी के किरदार हैं जो कि हमेशा उसी किरदार को परफॉर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हमारे लिए लिखा गया है। हमारी जद्दोजहदों को अलग कर देना एक दूसरे से, चाहे वो तारीख की और जद्दोजहद से अलग करना हो या वो इस वक्त में मुख्तलिफ इलाकों आइडेंटिटीज की जद्दोजहद को अलग कर देने से दुनिया बजाय बेहतर होने के हमारे हाथ से वो दुनिया निकली जा रही है। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते एक मिनट के लिए कि हमें वो किन किन कहानियों में फंसा दिया गया है जिसमें एक तरह से हम तारीख के यरगमाल बने हुए हैं और उससे बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि हम उन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस, उन प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज और उन प्रिस्क्राइब्ड हिस्टोरिकल अर्जेंसीज से थोड़ा बाहर निकल के अपना सांस लें कि हम उनसे नस्बतें जोड़ें जो कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मौक़ों में, मुख्तलिफ स्ट्रगल्स में इस वक्त और वक्तों में लड़ते रहे हैं। उससे हमारी अपनी स्ट्रगल्स को और हमारी अपनी कुव्वतों को जला मिलेगी है। उसमें औरतों ने दरबार यजीद से लेकर कलोनियलिज्म के खिलाफ, लेबर स्ट्रगल्स में, जंगों के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, एबोलिशन के लिए ना ही सिर्फ मर्दों के शाना बशाना काम किया लेकिन इन सब जदोजहद में पहल की। दूसरी याद दहानी इस बात की कराना चाहूंगी कि जिन लोगों से हम कानूनी और आईनी इंसाफ मांगते हैं, हकूक की बुनियाद पे उनसे हम फरियाद करते हैं, उन्हीं के मरहूने मिन्नत हमारी कब्रें खुदती हैं। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है, कोई आसान अजाला नहीं है कि हम कानून से हर जद्दोजहद करें या किसी और तरफ देखें। वही ये तय करते हैं कि किस तबके को कितने हक देने हैं, किस हद तक क्या एजुकेशन देनी है, उनकी सकाफत क्या होगी। सरमायादारी सोसाइटी में ये चीज़ें ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। उस वक्त से जब सरमाए ने आलमी सूरत इख्तियार की है, उस वक्त के बाद से रियासत का रोल सरमाए के मुकाबले में कम हो गया और वो चाहने के बावजूद भी अपना वेलफेयर से रियासत होने का हक अदा नहीं करते क्योंकि ना उसके पास इतने वसाइल होते हैं, ना वो सरमाए से ऊपर उठ के इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो अब तक खवातीन या मजदूरों ने एक लंबे अरसे की जद्दोजहद के बाद अपने लिए जो हक को पूछ के चलो एक लंबी जद्दोजहद के बाद मेहनत कश तबके ने या खवातीन ने अपने लिए जो हकूक हासिल किए भी थे वो भी छिनते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज की सरमायादारी ने एक नई गुलामी की शक्ल पैदा कर दी है जिसमें मेहनत कशों के औकाते कार बढ़ के 12 घंटे हो गए। इसी तरह ख़वातीन का इम्तियाजी सलूक और माशी इस्तेसाल और मुआवजे की मद में 1/4 हिस्सा यहाँ बात खड़ी हो गई है
और इसके लिए लगता है जो जद्दोजहद की गई थी उसका एक ज़माना वापस आ गया, दोबारा वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्यों? कि ये हुकूमतें लोगों को हकूक आराम से देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जलीला हैदर है और मैं पेशे के लिहाज से एक वकील हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। आज आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि ये दिन ख़वातीन को उसके समाजी, सियासी और माशी हकूक और हर तरह के बराबरी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बहस एक दिन नहीं है जिसको लोग ये समझते हैं कि शायद ख़वातीन ये कोई फेस्टिवल है या कुछ है, बल्कि ये दिन उस 150 साल ख़वातीन की जद्दोजहद है, दुनिया भर की मेहनतकश ख़वातीन की जिन्होंने अपने बराबर मावज़ों के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, सियासी और समाजी हक, वोट के हक के लिए, हर उस हक के लिए आवाज़ उठाया, उसके लिए जद्दोजहद की, जिसमें हम आज के जदवी दौलत को देखते हैं जहां वो हर मकाम पर अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इस दिन बहुत सारे ख़वातीन को चैलेंजेस का आज भी सामना है, जहाँ पर उनको बराबर तनख्वाहें नहीं मिलती, घरों में काम करने वाले जो ख़वातीन हैं उनकी इक्वल वेज नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पर हारी और किसान ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, 70% ख़वातीन जो इसका हिस्सा है उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना किसी को मालूम है कि कितनी ख़वातीन काम करती हैं और उनके मुआवजे या उनका औकात कार क्या है। इसी तरह जो ख़ासकर अगर बलूचिस्तान में देखें तो मैटरनिटी की जो डेथ है, मदर और चाइल्ड की हद, खुराक की कमी, सेहत के जो मसाइल है, उन सब के पेश नज़र हम देखें तो सबसे ज़्यादा अमवात बलूचिस्तान में होती हैं, जिसके लिए हकूमत को हर तरह से, चाहे सूबाई हकूमत है, वफाकी हकूमत, इसको एक मौसर पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। इस दिन ये तजदीद एहद का दिन है कि औरत जिंस नहीं है, वो भी इंसान है, वो महसूस करती है, उसके पास भी सलाहियतें हैं, उनके पास भी अक्ल व शऊर है और वो बहुत मिस्बत अंदाज में समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है। रुबीना जमील मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से है। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है, जो कई दहाइयों पहले, कई सदियों पहले क्लारा ज़ेटकिन ने, जर्मनी की खातून थी जो पॉलिटिकल सियासी बिना पर सियासत में भी थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 8 मार्च औरतों का आलमी दिन होगा। और आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में औरतें अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिनमें मज़दूर ख़वातीन भी होती हैं, इस दिन को मुख्तलिफ तरीके से मनाती हैं। इस दिन हम रोज़ा लक्ज़मबर्ग को भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने जंगों के ख़िलाफ़ काम किया, हम क्लारा ज़ेटकिन को भी याद रखेंगे, हम आसमा जहांगीर को भी याद रखेंगे, हम ऐसी उन सैकड़ों ख़वातीन को याद रखेंगे जिनको पाकिस्तान में इज़्ज़त के नाम पर ख़त्म कर दिया गया, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हम ख़वातीन अपने साथ किसी ज़्यादती को, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस दिन को अपनी मर्ज़ी से मनाएंगे। हम ख़वातीन जोग दर जोग सड़कों पर भी निकलेंगे, मार्च भी करेंगे और अपने हुकूक, अपने हक के लिए नारे भी लगाएंगे। मैं ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अपनी तमाम मेहनतकश बहनों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मेरी वो बहनें जो 24 घंटे घरों में अनपेड लेबर करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, भट्टा मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, होम बेस्ड वर्कर हैं, डेली वेजेस हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहती हूँ, अपने सियासी, समाजी और मुआशी हकूक़ के लिए डटी रहें। और आज के दिन के हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यही कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन की हकूक़ की हिफाजत के लिए जो कवानीन बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौसर इकदाम करें। आपने मुख्तलिफ ख़वातीन की, जो लीडिंग ख़वातीन है, उनकी गुफ्तगु सुनी। यकीनन ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी खातून जो है वो बेहतर रोल प्ले करे हमारे समाज के अंदर, तो जहाँ पे ख़वातीन को पूरे हकूक़ हासिल हैं और ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलती हैं,
वहाँ हम पर भी फ़र्ज़ है कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो फ़राइज़ हैं, हम वो अदा करें। जब तक हम, मेरी मुराद मर्द हजरात से है, जब तक हम उनको वो हकूक नहीं देंगे जो उनका राइट है, क्योंकि उनका जो राइट है वो हमारा फ़र्ज है, उनके राइट्स हमारी ड्यूटीज़ हैं, और हमें ये ड्यूटी समझकर उनको वो तमाम हकूक देने चाहिए जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है, जो कि हमारे दीन इस्लाम ने जो दिए हैं। हम अगर बतौर बीवी, बतौर बहन, बतौर बेटी, हम अगर इज्जत नहीं देंगे अपने घर में उसको, तो फिर मुझे ये बताइए कि उसको बाहर से कैसे इज्जत मिलेगी। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा, जाने से पहले ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। वस्सलाम।